नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस समय दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर रात के 2 बज रहे हैं और करीब 1:30 बजे जो है जो पुलिस बल यहां तैनात किए गए थे उनको वापस बुला लिया गया है। कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से 26 जनवरी को किसानों को ट्रैक्टर परेड में हिंसा हुई और लाल किले के प्राचीर पर धार्मिक झंडा फहरा दिया गया, उसके बाद से सरकार के निशाने पर ये धरना स्थल था। और कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से लगातार हिंसा में लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में आज गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से ही पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया था, जिसके बाद से उनको हटाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। और दबाव तब और बढ़ गया जब यहाँ पर किसान संगठन के लोग धरना स्थल को खाली करके जाने लगे थे, लेकिन शाम 7 बजने के बाद जिस प्रकार से राकेश टिकैत और उनके समर्थकों की वापसी हुई, कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और उनके गांव से भी लोग काफ़ी संख्या में रात होते होते तक यहाँ पहुँचे और जिसको लगातार वो कह रहे थे कि उनका समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल राकेश टिकैत जो इस पूरे घटनाक्रम के सुर्खियों में बने रहे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर इस पूरे किसान आंदोलन को दबाना चाहती है, जिसके लिए वो कभी इन मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाएगा। साथ ही जिस प्रकार से कल गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली और पानी काट दिए गए थे उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाता। छोड़ जाते हैं आप सर, 1:30 बजे रात को सुरक्षा बल वापस हुए, क्या ये जीत है आप लोग? हाँ, हुआ तो है, जानकारी नहीं ज्यादा। जिस प्रकार से लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को हटाने का प्रयास किया जा रहा था, क्या आप लोग मान रहे हैं कि सरकार की दबाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, दबाने की। आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आज जिस प्रकार से सरकार की असफलता हुई, आप लोग को हटा नहीं पाए? नहीं, किसी की असफलता नहीं, किसी की नहीं। हमारी बातचीत होगी, हम बात करना चाहते हैं। सर, लगातार कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से 2 संगठन आपका साथ छोड़ चुके हैं, आज एक और तीसरा संगठन भी साथ छोड़ दिया, तो कैसे आगे चले? पता नहीं कौन गए, हमें जाना है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगातार कहा जा रहा है सरकार की ओर से पानी और बिजली काटी जा रही है, काट दी। क्या कैसे आप लोग काम कीजिए? क्या पानी और बिजली काट दी जा रही है? काट दी, काट दी। तो फिर कैसे आप लोग कीजिए? करेंगे, देखेंगे क्या होगा, सुबह देखेंगे। तो लगातार मुजफ्फरनगर से भी आपके गांव से भी लोग आ रहे हैं, काफी भारी संख्या में आप लोग आएंगे लोग आएंगे। अजय आप लोग वापिस जा रहे हैं, आपने नहीं से हमारी ड्यूटी आगे पहुँच, क्या सभी लोग एक साथ ड्यूटी चेंज कर रहे हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों? आगे आ जाओ, जो पुलिस के जवान थे वो जवान वापस आ रहे हैं। अजय आप लोग वापिस जा रहे हैं, आपने नहीं से हमारी ड्यूटी आगे पहुँच, क्या सभी लोग एक साथ ड्यूटी चेंज कर रहे हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों? आगे आ जाओ, जो पुलिस के जवान थे वो जवान वापस आ रहे जा रही है।
जाएं।